इस क्वेश्चन में हमको इसका लिमिटिंग पॉइंट निकालना है जब एक्स मेरा इन्फिनिटी पर जा रहा है। अभी तो ये हमारा इन्फिनिटी वाई इन्फिनिटी के कंडीशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। लेट वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एंड एक्स बटे वन प्लस एक्स पर पावर एक्स। अब चूंकि पावर मेरा वेरिएबल है तो इसमें हम लोग लॉग का प्रयोग करेंगे, तो टैकिंग लॉग बोथ साइड करके हर सिंगर लॉग लगा देते हैं दोनों साइड हम लोग। लॉग वाई इक्वल टू लॉग, इसमें भी लॉग लगाएंगे तो एक्स बटे वन प्लस एक्स एंड लिमिट का प्रयोग। अब यहाँ पर एक्स तो पावर के रूप में है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि लॉग का ये फॉर्मूला है हम लोग का। तो एक्स मेरा बाहर आ गया एंड हम लोग एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े हुए हैं कि लिमिट एफ एक्स बटे जी एक्स इक्वल टू लिमिट एफ डैश एक्स बटे जी डैश एक्स होता है। तो पहले हम लोग इसको एफ एक्स बटे जी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट इसको एफ एक्स बटे जी एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो लॉग एक्स बटे वन प्लस एक्स, अभी मल्टीप्लाई एक्स को ऐसे लिखो कि वो बटे के रूप में आ जाए, तो गुना एक्स है तो इसको हम लोग वन बटे एक्स से लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएट और इसका डिफरेंशिएट निकालना है, हो गया। मतलब अगर मैं कहूँ बताओ भाई लॉग एक्स बटे वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, सिंपल सा लॉग एक्स तो वन बटे एक्स एंड फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे वी स्क्वायर तो आपका डिवाइड में होगा एंड यू डैश एक्स का डिफरेंशिएट वन इंटू वी माइनस यू वी डैश यू और वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएट तो वन होगा। ये आपका सॉल्यूशन होगा, इसको आप ऊपर भेज दो वन प्लस एक्स बटे एक्स एंड वन प्लस एक्स माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो यही मेरा वैल्यू आया, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ला 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 एक्स प्लस वन बटे एक्स इंटू वन बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड वन बटे एक्स का डिफरेंशिएट माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे आप, ये x से दोनों में अलग अलग हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं। एंड इससे कॉमन ले लो जिससे मेरा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे का टर्म तो हट जाएगा ना, तो इससे हम लोग x कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन आया, जैसे इसको बाहर निकालेंगे जैसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो x कॉमन लिए तो 1 बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा एंड इसको बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। एंड वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस x को बाहर निकालें तो एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। और नीचे तो एक्स स्क्वायर का टर्म था जो कि कैंसिल हो गया। अब ये माइनस वन है, लेकिन जैसे ही इन्फिनिटी पुट करेंगे ना तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, टोटल वैल्यू वन आया और माइनस तो पहले से है तो वैल्यू आपका माइनस वन रहा जब हम लोग एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट किए। तो लॉग वाई इक्वल टू माइनस वन, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ई पर पावर, ये पावर में आता है, माइनस वन इक्वल टू वाई। इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या निकला, वाई इक्वल टू वन बटे ई, इसको हम वन बटे ई लिख दिए। एंड वाई का वैल्यू क्या माने थे, ये वैल्यू माने थे, इसका वैल्यू हमको निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बटे वन प्लस एक्स पर होल पावर एक्स इक्वल टू वन बाई। यही मेरा आंसर हो गया। डैट्स क्लियर।